गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं उसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। एक चीज देखिए, मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। स्टिफनेसन को ध्यान से सुनिए, हम इसको एक्सप्लेन भी करके बता रहे हैं और इसको हिंदी में समझते हैं और अच्छे से। तो पहले तो ये जाने कि प्रबंध क्या है, कला है, विज्ञान है, आप लोग पहले भी जानते होंगे। तो उसके कारण प्रबंध एक ऐसी कला है जिसमें क्या होता है कि निश्चित किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसमें लग गए व्यक्तियों के सामूहिक समूह का नियोजन, सॉरी प्लानिंग या नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत फंक्शन में मेन चीज़ें क्या आती हैं, तो देखिए इसमें पहला चीज़ आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग उस योजना को किसके द्वारा करवाया जाए ये तय करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग उस कार्य को करने के लिए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे लोगों को की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ को क्या करना, तैयार करना या नियुक्त करना। फिर डायरेक्टिंग, जब स्टाफ उस कार्य को करने लगे तो उसकी उसको क्या करना, दिशा निर्देश देना, उसको डायरेक्ट करना। और उसके बाद जब वो कार्य आगे बढ़ने लगता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग क्या जिस हिसाब से काम होना चाहिए वैसे हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कमियां आ रही हैं उसको देखना, वो आता है कंट्रोलिंग में। चलिए इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, तो व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। दिस इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग ए वे ऑफ अचीविंग द इफिशियंसली एंड इफेक्टिवली। ध्यान दीजिए, प्लानिंग के पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि नियोजन क्या होता है, यानी कि किसी निर्णय पे पहुंचना क्या होता है, मतलब प्लानिंग क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए पहले से सोचना, यानी पहले से तैयार होना। मतलब कोई भी कार्य हम जब स्टार्ट करते हैं सोचते हैं कि चलिए हम ये काम करते हैं, तो उसके पहले कोई भी काम हम जब तय करते हैं तो उसके पहले हम उसके बारे में पूरी योजना बनाते हैं, सोचते हैं कि उसको कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा उसको करवाना है, ये और उसमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं वो सब चीज़ें किसमें हम करते हैं, प्लानिंग में। यानी एक तरह से कह लिया जाए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम पहले से ही जो योजना बनाते हैं उसको किसमें रखते हैं, प्लानिंग में रखते हैं। और प्लानिंग में क्या होता है, हम योजना इसलिए बनाते हैं कि उस कार्य को इफिशियंसली और इफेक्टिवली पूरा किया जा सके। आप देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब अब हम देखेंगे कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो पहला है लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग में सबसे पहले हम योजना क्या बनाते हैं कि हमको, मतलब जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन या मेरे बिजनेस का गोल क्या है, उसके टारगेट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये प्लानिंग में हम पहले क्या करते हैं, सोच लेते हैं। उसके बाद डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, मतलब जो हम गोल या टारगेट या ऑब्जेक्टिव तय किए हैं उसके बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। फिर सर्चिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब जो हमने गोल तय किया उसको करने के लिए हम कई अल्टरनेटिव यानी बहु विकल्प ढूंढते हैं। और उसके बाद देखिए इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्लान। देखिए हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के कई तरीके ढूंढते हैं, यानी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जो ऑप्शन में सबसे अच्छा हमको लगता है उसी को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो वही है इवोल्यूशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए
प्लान। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोडक्शन। जो भी कार्य हम तय करते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चुन लिए ऑप्शन की ठीक है हम इस ढंग से करेंगे, तो उसके लिए हम नीति निर्माण करते हैं और कि उसको हम क्या जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक रूल रेगुलेशन में होता है, यानी कि हम सिर्फ प्रॉफिट कमाए ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। उस प्रॉफिट कमाने के लिए हमको और भी चीज़ें कि वो कहीं इलीगल तो नहीं है, सबका ध्यान दे के हम उसको करते हैं। इसे जो भी उसको नीति निर्धारण किया, नीति निर्धारण में क्या होता है कि उस काम को करने का दायरा यानी सीमा में वो बाधित है। ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाए। फिर है प्रिपेयरिंग शेड्यूल्स प्रोग्राम्स एंड बजट। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें जब कर लेते हैं तो हम प्रिपेयरिंग शेड्यूल मतलब शेड्यूल तय करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और उसके पास बजट। अरे कोई भी कार्य करेंगे तो बिना पैसे का तो करेंगे नहीं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किस में आ जाते हैं, प्लानिंग में। यानी कि हमने जो भी काम करना है उसको पहले से सोच लेना, पहले से सोच लेना और कई विकल्पों में से एक अच्छा विकल्प सिलेक्ट करके उसको करना। ये तो आप लोग भी करते होंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग के बाद हमारा आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। आगे है ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बाई विच मैनेजमेंट ब्रिंग टूगेदर द मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द एकप्लिसमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तियों का यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो होता है वो सामूहिक रूप से जो प्रयास करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस कार्य को पूरा करने के लिए। और हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। आइडेंटिफाई संगठित मैनेजर क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं उनके सामने आइडेंटिफाई करता है उस एक्टिविटीज को जिसको एक्टिविटीज को इन्वॉल्व अचीविंग जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य होते हैं उसको क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। अरे ग्रुप में जो लोग होंगे मतलब संगठन में जो लोग कार्यरत होंगे उनको जब उद्देश्य का पता ही नहीं रहेगा तो वो करेंगे क्या, तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। सेकेंड है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन टू ए लॉजिकल पैटर्न, मतलब कि लॉजिकल पैटर्न मतलब सभी कार्यों को वो क्या करेगा ग्रुप में, जैसे कि जितने भी लोग होंगे वे अलग अलग रिक्वायरमेंट के होंगे, मतलब सबकी अपनी अलग अलग कार्य करने की कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करता है ग्रुप बनाता है। कुछ लोग को जैसे मान लीजिए परचेज में रखेगा, कुछ लोग को सेल्समैन में रखेगा, कुछ जो जिस काम में माहिर है उसके उस काम के लिए वो क्या करता है ग्रुपिंग करता है। यानी संगठन में क्या कराया जाता है कि देखिए सारे लोग एक ही एबिलिटी के नहीं होंगे, सबकी अलग अलग क्या होती है क्वालिटी होती है, तो उसके अंतर्गत उनको क्या किया जाता है ग्रुप बना दिया जाता है कि इतने लोग ये काम देखेंगे इतने लोग ये काम। आगे असाइनिंग द एक्टिविटीज टू एम्प्लॉयज, और जब वो ग्रुप बना लेता है तो अलग अलग ग्रुप में जो जिसके लायक है यानी जिस उनके कार्य के अनुसार उनके एक्सपीरियंस के अनुसार कार्य को क्या करता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिलीगेटिंग अथॉरिटी एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो काम बांट देता है ग्रुप में तो उसके लिए उन लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यानी कि उस कार्य करने के लिए उनको अधिकार भी प्राप्त किए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेही, ताकि अगर जैसे मुझे दे दिया गया कि आप कॉमर्स पढ़ाइए तो मेरी वो क्या मुझे अधिकार है कि मैं कॉमर्स पढ़ाऊँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ और उसका जो हमको इनपुट मतलब अथॉरिटी मिली है उस वो हमारे कैसे होनी चाहिए जवाबदेही, यानी कि हम जो भी कार्य करेंगे वो जिम्मेदारी के साथ करेंगे, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टाइम में जितना भी काम करना हम उसको कंप्लीट करके देंगे। फिर है कोऑर्डिनेटिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, मतलब जो भी
जो भी रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी है उसको क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोगों का अलग अलग ग्रुप है, लोगों को अलग अलग काम, जैसे एक ग्रुप एक काम मतलब परचेजिंग पे काम करेगा, एक दूसरा ग्रुप सेलिंग पे काम करेगा, फिर तीसरा ग्रुप मतलब और सब एक्टिविटीज़ को देखेगा। तो ये पूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है हमारा स्टाफिंग। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग को समझिए क्या होता है, हमने प्लानिंग कर लिया, किसी कार्य को करने की योजना बना ली और उस योजना को पूरा करने के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, स्टाफिंग यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करेंगे, यानी कि जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि मतलब जिस काम के लिए जैसे रिक्वायरमेंट या एम्प्लॉय चाहिए उसको हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। मतलब नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग को सरल शब्दों में समझिए क्या होता है कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को सेलेक्ट करना। ये देखिए, स्टाफिंग इज कंसीडर्ड एज ए सेपरेट फंक्शन इन व्यू ऑफ द नीड टू एम्प्लॉय द राइट टाइप्स ऑफ पीपल एंड डेवलप देम फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए क्या करना है, सही आदमी का यानी सही एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, मैन पावर प्लानिंग दैट इज डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ काइंड ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड। मैन पावर इसको क्या कह सकते हैं, मानव संसाधन यानी ह्यूमन जो रिसोर्स होता है उसमें से हमको अच्छे लोगों को क्या करना, सेलेक्ट करना। देखिए दिया है रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब पहले तो ऐसा माहौल, मतलब आवेदन के लिए जैसे क्या होता है कि हम वैकेंसी निकालते हैं या वैकेंसी निकालते हैं, लोग क्या करते हैं आवेदन देते हैं, तो दूसरे में जैसे सिंपल वे में समझिए, कोई हमको टीचर चाहिए बायो का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे कि मतलब हमें टीचर चाहिए इस सब्जेक्ट का। तो जो लोग भी उस लायक में जो बायो पढ़ाने वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, वे आएंगे और इंटरव्यू देंगे। तो सेकंड में क्या करें, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल मतलब इंटरव्यू लेंगे और हम जो अच्छा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल पर्सनल, मतलब हम इंटरव्यू के बाद जो भी अच्छे पर्सनल, मतलब पर्सनल मीन्स क्या होता है कि कैंडिडेट, मतलब जो लोग भी उस जॉब के लिए आवेदन किए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उसको कहते हैं। तो हम जब इंटरव्यू के बाद एक परफेक्ट कैंडिडेट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेलेक्ट करने के बाद हम उनको प्लेसमेंट करेंगे यानी कि उनके कार्य को समझाएंगे और क्या उनको करना है वो हम क्या करेंगे, तय करेंगे, उनको बताएंगे। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, हम उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कार्य कराएंगे, मतलब उनको ट्रेनिंग देंगे कि कौन जो कार्य उनको दिया गया उसको कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय हैं उनका हम सही उचित ढंग से मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है कि वे जिस कार्य के लिए अपॉइंट किए गए हैं वे बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं। फिर है ट्रांसफर, प्रमोशन, टर्मिनेशन एंड ले ऑफ द एम्प्लॉय। स्टाफिंग में ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन यानी वो सब चीज़ें कब होती है, जब इवेल्युएट करते हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं एम्प्लॉय का, तो उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होते हैं। ट्रांसफ़र कर देना, प्रमोशन उसको पदोन्नति देना, टर्मिनेट करना एंड ले ऑफ एम्प्लॉय। हमारा स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को हिंदी में हम कहते हैं निर्देशन। डायरेक्टिंग को क्या कहते हैं, निर्देशन। लेकिन दिया डायरेक्टिंग इज अदरवाइज कार्ड मैनेजमेंट इन एक्शन, इट इज कंसर्न्ड विथ द एक्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एकम्प्लिशमेंट
of the enterprise goes. Directing thus involves issuing instructions to subordinates, guiding, motivating and supervising them. ध्यान दीजिए, डायरेक्टिंग को हिंदी में समझिए होता क्या है, निर्देश, यानी स्टाफिंग के बाद निर्देशन का कार्य आता है, डायरेक्टिंग का क्या होता है, मैनेजर क्या करते हैं कि वे दिशा निर्देश देते हैं, यानी कर्मचारी जो भी एम्प्लॉय है उनको ये बताना कि क्या करना है, कैसे करना है और उनको क्या करना, डायरेक्टिंग करना, यानी किसी भी कार्य को, जैसे कि संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको सही दिशा में कार्य कराने की कला क्या है, डायरेक्शन है। और उस कार्य को कराने के लिए एम्प्लॉय को हमेशा मतलब सही इंस्ट्रक्शंस देना, मतलब फॉलो का इंफॉर्मेशन, सही सही इंफॉर्मेशन देना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनकी गाइडिंग करना, उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना और सुपरवाइजिंग करना किस में आता है आपका, डायरेक्टिंग में। आप देखिए कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है, नियंत्रण करना, यानी नियंत्रण करना ये आपका पांचवा काम है, मतलब पांचवा कंट्रोलिंग क्या होता है कि कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग वेदर द एक्टिविटीज हैव बीन परफॉर्म्ड इन कंफर्मिटी विथ द प्लान। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एग्रीड स्टैंडर्ड्स विथ ए व्यू टू इंश्योरिंग स्टेटस फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ध्यान दीजिए कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग के क्या, नियंत्रण करना, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है, मतलब डायरेक्शन देना, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, यानी ये चीज़ देखना कि वो जैसे करना है वैसे कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो मतलब उस कार्य में क्या कमियाँ आ रही हैं उसको देखते रहना। और उस इतने पे काम नहीं ख़त्म होता है, होता क्या है कि जब भी हम कोई प्लान करते हैं, यानी कि कोई कार्य करने से पहले हम एक प्रमाप तय करते हैं, यानी कि मतलब एस्टिमेट वैल्यू निकाल देते हैं कि इस काम को करने में इतना इतना ऐसे ऐसे खर्चा लगेगा, और उसके बाद जो उसको क्या कहते हैं प्रमाप, यानी स्टैंडर्ड, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा ये काम करने में 1,00,000 रुपया लगेगा, ठीक है, लेकिन जो काम करने के बाद हम उसको देखते हैं कि उससे अधिक हो गया, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड था उससे अधिक हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं कि फिर से देखते हैं कि आखिर में कमी कहाँ से आई, ठीक है, जब कमी को देखिए इसमें दिया है कंट्रोलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना अगेंस्ट द एग्रीड स्टैंडर्ड विथ ए व्यू टू इंश्योरिंग सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मतलब कि उससे मैच करना, यानी कंपैरिजन करना, यानी कि जो हमने वैल्यू पहले पूर्वानुमान से तय की थी और जो एक्चुअल आई है उन दोनों को कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन करने के बाद ये देखना कि कहाँ पे कमियाँ आई हैं उसको पूरा करना, उस कमी को क्या करना, ख़त्म करना, ये केस में आता है कंट्रोलिंग में।